को क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट सिंथेटिक डिवीजन और सेम एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.6। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 2.6 में डिस्कस किया था कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है और इसका ऑपरेट करने का तरीका क्या होगा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना है। तो सेम आज उसी को लेके चलेंगे और आज हम लोग लेके चलेंगे किसी एक क्वेश्चन को और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने फाइंड करनी है और किस किस तरीके से आप स्टेप अप्लाई करोगे। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिखा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। माइंड में रखना है उसने कहा है कि सिंथेटिक डिवीजन को आपने यूज करना है और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए और बी की। उसके बाद कहता है इफ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू आर द फैक्टर्स। वो कहता है अगर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू ही दो ऐसे फैक्टर है जिनके जरिए ये फाइंड हो सकता है और आप इसको यूज किसके लिए करोगे, इस इक्वेशन के लिए। आपने उन दो फैक्टर को यूज करके इस इक्वेशन को डिवाइड करना है और इसके अंदर जो ए और बी छुपे हुए हैं उसको फाइंड करके देखना है कि उसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज कि आपने अगर ए और बी ढूंढना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो माइंड में बिठाएं ए बी आपको तब ही मिलेगा जब ये हल होगा और ये हल तब होता है जब आपके पास क्वोशेंट आता है, क्वोशेंट के साथ रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर से आगे क्या होगा कैसे होगा वो आपने चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, क्वोशेंट कि क्वेश्चन आपने कैसे फाइंड करना है। लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था कि आपने जो नीचे रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको कलेक्ट करके एक तरफ रख देना है और जो लास्ट का जो डिजिट रह जाएगा वो आपका रिमाइंडर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेदा करेंगे, क्वेश्चन। सेकेंड हमने क्या लेदा करना है, रिमाइंडर। उसके बाद हम रिमाइंडर के अंदर से ए और बी को फाइंड करेंगे, ठीक है क्लास। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो टेबल ड्रॉ करना है। इस तरह के आपके दो टेबल ड्रॉ होने चाहिए। जब आप टेबल ड्रॉ करोगे उसमें आपने कोफिशियंट्स और कॉन्स्टेंट टर्म को पुट करना है। याद है मैंने लास्ट में कहा था कोफिशियंट क्या होगा, जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखे जाते हैं दैट इज कॉल्ड कोफिशियंट, और जिनके पास कोई एक्स नहीं होता वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आपके पास बी कॉन्स्टेंट है और उसके पास जितने भी हैं यहाँ पे टर्म्स वगैरह वो सारे के सारे आपको कोफिशियंट निकाल के देंगे। तो यहाँ पे जब आपने दो टेबल ड्रॉ कर लिए अब आपने क्या करना है, इसमें वो एक्स वाले नंबर पुट करने हैं ताकि आप उसको डिवाइड करके क्वेश्चन के रूप में या क्वेश्चन की शक्ल में आप वैल्यू फाइंड कर दो। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो दो फैक्टर थे जिनके जरिए हमें डिवाइड करना था तो हमने उनको यहाँ पे राइट किया और उनसे हम लोगों ने वैल्यू ड्राइव की। जैसे एक्स प्लस टू इसको भी आपने इक्वल टू जीरो रखना है और यहाँ पे एक्स माइनस टू इसको भी आपने इक्वल टू जीरो रखना है। अब एक्स प्लस टू को जब आप इक्वल टू जीरो रखोगे तो आपका काम है कि टू को मूव करना। आप इस टू को शिफ्ट करोगे इक्वल की दूसरी तरफ तो ये प्लस वाला अपना साइन रिवर्स करके किस में कर देगा, माइनस में। अब ये जो माइनस टू है ये वो नंबर बन गया जिसके जरिए ये तमाम नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है क्लास। लास्ट टाइम के स्टेप थे कि इस टू को आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर क्रिएट होगा वो सेकंड के नीचे चला जाएगा। ये सिर्फ पहले ही स्टेप में होगा, अब उसके आगे जितने भी स्टेप होंगे ये टू हमेशा उसके आंसर के पास ही जाएगा और ऑनवर्ड एक नंबर क्रिएट करके अगले के नीचे प्लेस कर देगा। तो टू टू जा फोर, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर भी फोर है नीचे भी फोर है तो जब दोनों साइन सेम है तो होगा पॉजिटिव होगा प्लस ही, लेकिन माइंड में रखें कि साइन हमेशा बड़े का लगेगा। इस टाइम पे दोनों इक्वल हैं तो दोनों के पास जो साइन है वही साइन नीचे भी आ जाएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस होगा तो 8, लेकिन साइन किसका आएगा, 8 का। फिर अब ये 2 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 8 सा 16। अब यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है। अब जब माइनस रिएक्ट करेगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा, क्यों। पहले जब ये माइनस टू माइनस हो रहा था तो इसने सिर्फ ऑपरेशन करने का तरीका बताया था कि होगा क्या, लेकिन यहाँ पे जब अब नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो ये साइन ऑपरेट होके अपना साइन रिवर्स कर लेगा। जैसे माइनस माइनस प्लस, अब ये प्लस में लिखा जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 2a को 16 के साथ प्लस करना है। तो यहाँ पे तो 2a 16 के साथ प्लस होगा नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को एज इट इज ड्रैग करके नीचे लिख दिया। अब सेम ये टू इन दोनों के पास जाएगा और इनके साथ मल्टीप्लाई होगा,
जैसे 2 to the 4 माइनस प्लस माइनस, सेम 2 16 32, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, अब ये दोनों माइनस के बन गए। जब बी इसके साथ में लिखूंगा तो एक्चुअली यहाँ पे बी प्लस हो नहीं सकता, क्योंकि बी के लिए यहाँ पे एक बी का नंबर होना लाजमी है, या बी का होना मौजूद होगा तो ये प्लस होगा वरना नहीं होगा। तो इस तरह मैं क्या करूंगा कि इस बी को भी इनके साथ ड्रैग करके पूरा का पूरा कंप्लीट नीचे लिख दूंगा कि हमने बी इसके साथ कंबाइन कर दिया। सेम ऑपरेशन आपने इस फॉर्म के साथ भी करना है, जो ऑपरेशन यहाँ पे किए सेम आपने इसके साथ भी करना है। अब करना क्या है, इन दोनों में से क्वेश्चन और रिमाइंडर को सेपरेट कर दो। हमारा पहला काम था क्वेश्चन निकालना, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को निकाल दिया। सेकंड काम था हमारा रिमाइंडर फाइंड करना, हमने दोनों में रिमाइंडर फाइंड कर लिए। अब अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन को एक्स दो या एक्स अरेंज करके दो, हमारा जितना काम था वो हमने कर दिया कि क्वेश्चन निकालना था क्वेश्चन निकाल दिया। रिमाइंडर से हमारा अभी आगे वर्क शुरू हो जाए। अब रिमाइंडर से कैसे होगा कि हमारे दोनों रिमाइंडर में ए और बी आ रहा है, और सवाल भी कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमने ए और बी ही ढूंढना है। लेकिन ए बी निकालने से पहले जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा, तब तक आप ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमने दोनों रिमाइंडर्स को पिक किया और हमने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, क्योंकि हमारे पास जो ए है वो प्लस होने की शक्ल में जब तक नहीं होगा हम इसको हल नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ से बी और 4 ए को शिफ्ट किया ताकि इक्वल के दूसरी तरफ जाके ए जो है वो पॉजिटिव में हो जाए। अब जब पॉजिटिव हो गया इसको मैंने नाम दे दिया, ये मेरे लिए बना इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने इसको इसमें से ड्राइव किया। और सेम यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास 4 ए पॉजिटिव में ही था, तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, क्योंकि वो सेकंड में से ड्राइव होके नीचे आया। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को रीअरेंज करना है। रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली चीज हमने यहाँ से किसी एक अल्फाबेट को एलिमिनेट करना है, जब तक हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे सेकेंड अल्फाबेट मुझे आंसर नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, इन दोनों में चेक करना है कौन सा अल्फाबेट है जो खुद ब खुद एलिमिनेट हो रहा है या खुद ब खुद कैंसल आउट हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे बी की फॉर्म तैयार थी, जिसमें मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बी माइनस वाला जो नीचे प्लस वाले के साथ है वो बिल्कुल कैंसल आउट हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैंने इन दोनों को ऐड किया। इन केस अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो मैं इधर लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें कोई और फॉर्म आ जाएगी लेकिन मैं साइन रिवर्स करके उसको कैंसल आउट कर दूंगा। ठीक है क्लास, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में इसके ऊपर डिटेल लेक्चर है कि जब आपके पास इस तरह के ऑपरेशंस ना हो तो आपने कौन कौन से स्टेप करने हैं जिससे आप एक अल्फाबेट को कैंसल आउट कर। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि हमारे पास जब यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी दोनों कैंसल आउट हो गए, तो मैंने बाकियों को सॉल्व करके नीचे ड्रैग कर दिया। जैसे 4a ये भी प्लस का है, नीचे वाला 4a ये भी प्लस का है, तो दोनों को मैंने प्लस करके क्या बना दिया 8a। सेम यहाँ पे मैंने जब प्लस किया तो अगेन वो -32 नीचे आ गया। अब मैंने करना क्या है, सिर्फ a को यहाँ पे रोकूंगा, उसके अलावा जितना कुछ भी है चाहे वो सिंगल है चाहे डबल है कुछ भी है मैं उसको मूव करूंगा। यहाँ पे 8 जो है वो a के साथ जुड़ा है, मींस मल्टीप्लाई है, और जब भी मैं इस मल्टीप्लाई वाले फॉर्म को शिफ्ट करता हूँ तो ये उसके रिवर्स फॉर्म डिवाइड में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8a = -32, इधर से 8 मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पे ये a के साथ जुड़ा है मींस मल्टीप्लाई है, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब मुझे वो टेबल देखना है जिससे ये दोनों के दोनों नंबर एलिमिनेट हो सकें, तो मैंने कर दिया डिवाइडेड बाय 8। ठीक है क्लास, मैंने 8 से डिवाइड किया क्योंकि 8 के टेबल में 32 भी आता है, और वो कब आता है जब आप उसको 4 टाइम्स पढ़ोगे। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 4। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं इसकी वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करूंगा, आइदर आई हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इट्स डिपेंड अपॉन मी। मैं सिर्फ चेक करूंगा कि कौन सी इक्वेशन जो है वो छोटी है और मुझे जल्दी आंसर दे सकती है। तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से स्मॉल लगी, तो मैंने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, जैसे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन 2 को राइट किया, अब जहां पे ए आ रहा था मैंने वहां पे क्या पुट किया -4। अब -4 जब मैंने पुट किया तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट लगाना लाजमी था, क्योंकि बीच में माइनस भी आ रहा है और दूसरा ए और 4 दोनों जुड़े थे। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस सॉरी 4 4 4 16 एंड देन प्लस माइनस माइनस।
अब 16 मेरे पास तैयार हो गया, मुझे सिर्फ क्या करना है, बी की फॉर्म क्रिएट करनी है। तो मैं इस बी को शिफ्ट करता हूँ, और मैं बी को शिफ्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो है नेगेटिव और मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो मैंने बी को यहाँ से शिफ्ट किया इक्वल के दूसरी तरफ, तो जो माइनस का साइन था ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। तो अब मेरे पास बी की वैल्यू क्या बन गई, -16, और ए की वैल्यू क्या बनी, -4। रिमेंबर क्लास, जब आप इस तरह के स्टेप कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन को डील कर रहे हो, तो आपने लिए एक हायरार्की बना ले। हायरार्की क्या होता है, ये आपको हेल्प आउट करता है कि क्वेश्चन को किस तरह आपने इसको हल करना है और आपका आंसर किस स्टेप में आता जाएगा या किस स्टेप में कौन सा आंसर वेलिबल है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे ये क्या किया, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को टारगेट किया, सेकेंड रिमाइंडर को टारगेट किया, उसके बाद मैंने कहा कि जब रिमाइंडर निकलेगा तब मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा। बेशक सवाल में नहीं, लेकिन मैं ये स्टेप करके ए और बी की वैल्यू निकालूंगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह।